नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ऐसी चीज़ पे चर्चा करेंगे जो समाज में अपना एक विशेष स्थान और विशेष महत्व रखती है, क्योंकि सामने से दिखाई देता है। सुबह से शाम तक हम लोग ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो समाज में फैल रही है, जो हमारी सभ्यता है या संस्कृति है। चलो उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं जो सामने से दिख रही है कि छोटी छोटी बातें, जैसे हमारे यहाँ पूजा यज्ञ धर्म होता था, उसका अनुष्ठान होता था, उसका समय होता था, करने की उसकी विधि होती थी और विधिवत उसको करने के लिए समय लगता था। उसी समय के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं लोगों के पास आज समय नहीं है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्टकट। कोई भी काम है उसको शॉर्टकट ढंग से लोग करने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए स्वर्ग लोग और भूलोक दोनों सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये कितना जायज़ है और कितना हम इस कार्य में सफल हो पाते हैं, ये सोचने का एक विषय है और इसके बारे में हम सोच सकते हैं और सोचना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम सुबह से शाम तक ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में हम सोचते रहते हैं जो निरर्थक रूप से बुद्धिजीवी समाज है, उसके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। अभी समय है, इस समय दोपहर का, सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसी चीज़ों से घिरे रहते हैं और देखते हैं कि आदमी कितना सोच को अपने छोटा करते हुए जा रहा है, क्योंकि उसके पास धन कमाने के सिवाय आज के इस संसार में कोई दूसरा पर्याय बचता ही नहीं है। लोग धन कमाने के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपना समय उसी में व्यतीत कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि भौतिक काल में धन के बिना तो कोई चीज़ संभव है ही नहीं, धन कमाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ सुबह से शाम तक कि लोग आते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भाई कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो सब ठीक है, बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन उसके साथ में अगर हम कहें कि ठीक है आध्यात्मिक क्षेत्र में, हाँ मैं करता हूँ, सुबह उठता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ के नाम पे सिर्फ अगरबत्ती जलाना हो गया पूजा पाठ, और उसके बाद में हमने गाय को चारा खिला दिया, वो भी काम पूरा हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद बारे में कुछ चर्चा भी करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये सामने का एक परिसर है, ऐसे आपको शहरों में बहुत जगह पे मिल जाएंगे। वैसे तो मैदान और जगह कोई खाली नहीं रहा, जिसके पास जगह और मैदान है वो कम से कम 2-2 फीट ऊंची कंक्रीट तैयार कर दिया है। लेकिन ये ऐसी जगह आपको शहरों में बहुत से जगह पे मिल जाएंगे, उसके बारे में हम आप लोग से चर्चा करते हैं और बात करते हैं। ये देखिए पूरा परिसर है, ये यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक ये पक्षी यहीं पर बैठे रहते हैं और यहाँ पर लाकर कम से कम कुंटलों 2-4 कुंटल 5 कुंटल दाने डाले जाते हैं। और बाहर एक यहाँ पे दाना लेकर एक व्यापारी बैठता है, व्यापारी के रूप में लोग आते हैं, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपये का दाना लेके कबूतर को खिला देते हैं और वो सोचते हैं कि इससे हमें मुक्ति मिल गई। मैंने बहुत से दोस्तों यारों और लोगों से भी बात किया इसके बारे में, वो सोचते नहीं, पक्षियों को दाना खिला दिया तो हमारी सब सुविधा इसी में मिल जाएगी, जो भौतिक काल की है सुविधाएं वो सब प्राप्त हो जाएंगी और जो आध्यात्मिक काल है उसके लिए भी हम उपयुक्त माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ ऐसी है कि हमारे जो गांव में किसान रहते हैं, हमने देखा कि उनकी फसल जब तैयार होती है तो उनके फसल से जाने अनजाने में बहुत सा अनाज पक्षी अपने हिस्से का ले लेते हैं और घर लाने तक किसान
के अनाज जो है वो सबको अपना हक मिल जाता है, लेकिन शहरों में ऐसी परिस्थिति नहीं है। लोग एक मुट्ठी दाना खिलाकर अपने उत्तरदायी से मुक्त हो जाते हैं। और इसी के साथ में ऐसी बहुत सी क्रियाकलाप है जो शहरों में किया जाता है कि छोटा छोटा अनुष्ठान करके लोग अपना भौतिक और जो अपना सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, इस लोक और उस लोक दोनों को सुधारना चाहते हैं। लेकिन ये पक्षी जो हैं, ये देखो, एक चने लेकर यहाँ पे आ रहे हैं एक टोकरी में, और इस चने को पक्षियों के बीच में डाल दिए। सब पक्षी दौड़ के गए, चाना चुके चले गए। कहने का तात्पर्य यह है कि दोस्त, आदमी के पास सुख सुविधा तो बहुत आ गई, लेकिन जो हमारा उत्तरदायी समाज के लिए होता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को भी देखा है कि उनके घर में जो वृद्ध रहते हैं, जो बूढ़े लोग रहते हैं, उनका किस प्रकार से अनादर किया जाता है। और ऐसे बहुत से हमारे यार दोस्त लोग हैं कि लाके उनको एक मुट्ठी चना खिला के अपना उत्तरदायित्व पूर्ण मानते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हम लोग। देखते हैं कि ये एक प्रकार का धंधा बन गया है, बहुत से लोग इस धंधे से जुड़े रहते हैं और ये धंधा बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, यहाँ पे चलता है, लोग इसको मानते हैं। देखो, यहाँ पे एक गऊ माता है जिनको यहाँ पे घास खिलाने का धंधा भी रहता है, यहाँ पे लोग धंधा भी करते हैं और गऊ माता को अपना हाथों से यहाँ पे ग्रास रखा गया है, लोग खिला देते हैं और अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। ये यहाँ पे बांध के इसका पूर्ण रूप से व्यापार किया जाता है और लोग इसके अंदर अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण मानते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही जटिल समस्या शहरों में उभर के आई है। गौ माता की क्या हालत है आप देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार से इसका मतलब है। लोग यहाँ पे खड़े हैं और अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम पक्षियों को दाना खिला दिए और गौ माता को थोड़ा सा हम घास लेके 5 रुपये का खिला दिए तो ये हमारा कार्य पूर्ण होता है। और ऐसे में अधिकतर जो संपन्न घराने के लोग हैं वही इस चीज़ को ज़्यादा मानते हैं। मैंने एक परदेशी से यहाँ पे बात किया तो कहता है कि हमारे गांव में जो गाय रहती है, अगर किसी को कह दिया जाए जाओ कोयर चला दो या तो वहाँ का गोबर हटा दो तो उसकी नानी मर जाती, लेकिन यहाँ पर आके लोग 10-10, 5-5 रुपये का घास खिला के अपने आप को पुण्यात्मा मानते हैं। देखिए, यहाँ पे आए और थोड़ा सा घास लिए और गौ माता को खिलाए, गौ माता का पाँव पड़े, चले काम इनका पूरा हो गया बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ पे। लेकिन एक व्यंग के रूप में जो कल मैंने अपने एक दोस्त से बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में गाय रहती, भैंस रहती, अगर किसी को कहा जाए कि जाओ गाय को हटा दो नहीं तो उनको चारा खिला दो तो उनको बहुत ही तकलीफ़ होता है, लेकिन धंधे के लिए ये सब यहाँ पे उपयुक्त माना जाता है। वो देखिए, एक टोकरी चना और लेके एक आदमी कबूतर को दाना खिलाने के गया। तो ये चीज यहाँ पे चलती रहती है, इसके बारे में जो हमारे अपने हैं उनको सोचना पड़ेगा और सोचना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मैं आगे आप लोग को कहीं मिलता हूँ। जय श्री राम।